हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग थोड़े लेट हो गए। कोई बात नहीं, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसको घातांक और करनी पढ़े होंगे आप 9th क्लास में, 9th स्टैंडर्ड का ये चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही छोटा सा वीडियो रहने वाला है, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और कुछ फॉर्मूले हैं, बस 2-4 फॉर्मूले आप दिमाग में सेट कर लीजिए। एक वीडियो इस पे और आएगा 10-12 मिनट का, लेकिन वो धांसू, मतलब बिल्कुल धांसू सवाल होंगे उसमें, जो हर एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ। जैसे रूट के अंदर इन्फिनिटी तक जो जाती है चीजें, या फिर प्लस में हो या माइनस में हो या फिर मल्टीपल में हो, ठीक है। तो इसके बाद वो वीडियो कल आ जाएगी और उसके बाद हम लोग एवरेज स्टार्ट करेंगे। आई नो थोड़ा सा हम लेंथी चल रहे हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा वीडियो बना रहे हैं इस हर छोटे से टॉपिक पे, लेकिन बिलीव मी, ये आपको बहुत फायदा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे हैं, बेसिक्स हैं, बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, ताकि आगे बहुत दूर तक चलेंगे हम लोग। जब आप CISI पढ़ेंगे, खास करके CI, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें कितना फायदा इसको मिलने वाला है आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबों को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पे स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम खत्म कर चुके हैं, तो नंबर सिस्टम के जितने ही वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। एप्टीट्यूड फॉर SSC बैंकिंग रेलवे करके एक फोल्डर है, उसमें आपको वो सारे वीडियो लाइन से मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आप देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। नंबर सिस्टम से बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, और एवरी क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट श्योरली 100%। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, घातांक और करनी में एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो पावर होती है, जो हम पावर लिखते हैं, तो किसी के ऊपर हम पावर लगाते हैं। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, एक एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, वो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई श्योर कि आपको, मतलब अभी याद करवा दूंगा, अभी 10 मिनट की वीडियो में आपको पूरा याद हो जाएगा। बस ध्यान से गौर से देखिए, दोबारा रिविजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो खुद ब खुद आपको फ्लैश होते जाएंगे वो। तो हमने बताया कि हमने कुछ पावर लिखा, पावर ही होता है, स्क्वायर पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना। हम पढ़ते हैं ना कि 3 के पावर अगर 2 है, मतलब 3 स्क्वायर, 3 के पावर 3 है तो हम क्यूब बोलते हैं, 3 के पावर 4 है तो 4 बोल देते हैं, 4 पावर है, ठीक है। तो ये पावर है। अब ये पावर जिसके ऊपर होता है, ये दोनों का बस नाम याद कर लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर, ये सही है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं घात, और इसको बोलते हैं करनी, सॉरी इसको बोलते हैं आधार। आधार के ऊपर घात होती है, आधार के ऊपर घात होती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, सर्ट्स एंड रिसेस, घातांक और करनी, या करनी और घातांक। तो यहां पर 2 रूल है, ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वैसे फिर भी मैं दिखा दिया हूं आपको। मैं तो कहता हूं 2 फॉर्मूले, जब मैंने 9th में पढ़ा था तो सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हमने पढ़ा था, वो फॉर्मूले नंबर 1 और फॉर्मूले नंबर 2। इसके अलावा और आपको, बस इसको ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, ताकि सब के सब आप आराम से कर लीजिएगा। रूट के मतलब हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि रूट के मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, ठीक है। ठीक है, और हमने क्यूब का मतलब पढ़ा था कि मतलब ये पावर में 1/3 हो जाता है, ठीक है। इसको क्यूब रूट बोलते थे, और इसको मतलब इसका ये एक नजर, मतलब तरीका है दिखाने का, ठीक है। या तो आप ये दिखाइए या ये दिखाइए। आई होप आपको दिख रहा होगा, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है लाइटिंग का, मैं जल्दी इसको प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मतलब रूट का मतलब क्या हमने पढ़ा था कि पावर में 1/2, और यही अगर क्यूब रूट हो जाता था तो यहां पर 3 हो जाता था, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के स्क्वायर का ओपोजिट होता था रूट, स्क्वायर का ओपोजिट होता था रूट। तब तो आपको याद आ रहा होगा, स्क्वायर इधर से हटा देते थे और इक्वल टू का सिंबल होता था, और दूसरी तरफ लेके जाते थे तो वो रूट हो जाता था, और रूट को अगर दूसरी तरफ लेके जाते थे तो वो स्क्वायर हो जाता था, ठीक है। देखिए, ये बहुत ही, मतलब बेहद जरूरी है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस पे आने वाले हैं, जो इसके जस्ट बाद वाला जो वीडियो होगा ना, बिल्कुल देखना मत भूलिए उसको, एकदम शानदार वीडियो है। जैसे आपको ये क्वेश्चन है, और हालांकि मैं ट्रिक को अगेंस्ट करता हूं, लेकिन इसका ट्रिक ही ऐसा है कि उसको अगेंस्ट किया नहीं जा सकता, ठीक ठीक है। जैसे 7 + √7 + √7, या फिर मैंने बोला 17 √17 √17 ……∞। तो ये सब मैं करके दिखाऊंगा हर क्वेश्चन को, अगर यहां माइनस होता तो क्या होता, इनटू में है, प्लस में है,
एक एक क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन में दूंगा, लेकिन साथ ही मैं बताऊंगा वो तरीका कि आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर मारेंगे। और एक क्वेश्चन तो एसएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये, तो आना ही आना है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज अपने चैनल पे एक टीजर लॉन्च होगी, तो वो है एक्चुअली करंट अफेयर को लेकर के, जो हम साप्ताहिक 47 लेकर के आने वाले थे, तो उसका जो लॉन्च होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को वो शेयर करें। और प्रोबेबली नेक्स्ट मंडे, सॉरी इसी मंडे जो 4th of February को पहला अपना वीडियो आएगा, शायद उस दिन दो वीडियो आ जाए, क्योंकि 21 से ही स्टार्ट हो चुका था वो, बस अपलोड नहीं हो पाई थी। तो अपना पहला वीडियो जो होगा वो 4 February को लॉन्च होगी, तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और हमारे बीपीएससी वाले जो भी बंधु हैं, उनका आज बार ग्राफ पे बहुत दिन से मैंने जो उनको क्वेश्चन दिया था करने के लिए, आई होप वो लोग कर लिए होंगे वैसे, लेकिन कुछ मेरे मित्र को सोल्यूशन चाहिए था, तो मैं आज एनी हाउ किसी भी टाइम उनको वो बार ग्राफ का क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, जो 63वीं बीपीएससी मेंस जो 14 तारीख को हुआ था उसके चल रहे हैं सीरीज, तो उसका हमने एक पाई कर लिया है वैसे। और जो मेरे नए दोस्त हैं बीपीएससी वाले, वो जाए प्लेलिस्ट में और बीपीएससी मिशन 72 करके एक प्लेलिस्ट में एक फोल्डर है, उसमें सारे क्वेश्चन करीब 9 वीडियो या 10 वीडियो हैं मिशन 72 के हिसाब से, तो उसको सब देखें। हमने वहां पर पूरी तरीके से पाई चार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, तो उसको आप जरूर लगाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं, इसे हम बहुत तरीके से करेंगे, ठीक है। Awesome job. ठीक है सर, तो दो फॉर्मूले मैंने बताया था कि देखिए, तो अब यहां पर हमने लिखा हुआ है फॉर्मूले समझने से पहले एक बार समझ लीजिए, a के पावर m और हमने लिखा a के पावर n, तो ये क्या है बेस, अभी मैंने बताया कि ये आधार है और ये पावर होता है, तो ये बेस हुआ और ये पावर हुआ, यहां पर ये बेस हुआ और ये पावर हुआ, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनिए मेरी बात, अगर बेस दोनों जगह इक्वल है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चलिए हमने एक और बेस ले लिया, उसमें क्या है, हमने इसका पावर पी ले लिया, एक और हमने बेस ले लिया, इसका पावर क्यू ले लिया, अनलिमिटेड हो सकती है बेस, ठीक है। हम समझने के दृष्टिकोण से सिर्फ दो ही हमने बेस लिया था, अब हमने चार लिया यहां पर बेस, देखिए तो बेस क्या है, इसका बेस ए है, इसका बेस ए है, इसका बेस ए है, इसका बेस ए है। अब मान लीजिए कि ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं आप, ठीक है। हमने मतलब इनको मल्टीप्लाई किया इनसे, फिर इनसे, फिर इनसे, सबको मल्टीप्लीकेशन से हमने जोड़ दिया, तो रूल जो घातांक का, सॉरी हाँ घातांक का रूल ये कहता है कि अगर बेस इक्वल हैं तो, और मल्टीप्लीकेशन में है, बेस इक्वल है और मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर एड होते चले जाएंगे, एम प्लस एन प्लस ए पी प्लस क्यू, क्लियर है। अब सिर्फ हमने समझने के दृष्टि, आप चाहे जितना भी हो, हमने सिर्फ समझने के दृष्टिकोण से इसको हमने दो ही लिया था, ये भी सही है और फॉर्मूला ये है, तो फॉर्मूला ये भी सही है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमने फॉर्मूले में दो लिया है, तो सिर्फ दो ही बताते हैं। चलिए अब हम एक इस पे, जैसा कि हमारा रहा है, हम जैसे एग्जांपल लेके हर एक इक्वेशन को या फिर फॉर्मूला को वेरीफाई करते हैं, तो हमने लिया कि एक्स के पावर 5, एग्जांपल नंबर 1, देखिए हम फॉर्मूले देखेंगे उस पर हर पे एक एग्जांपल सेट करेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगी, एक्स के पावर 1 मल्टीप्लाई एक्स के पावर 13। अब देखिए बेस क्या है, एक्स है, बेस इक्वल है, तो पावर क्या होगा, सिंपली ऐड होती है, जब बेस इक्वल हो और मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर ऐड होती है, तो एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 13। फिर यहां लाइट की थोड़ी समस्या, समझिएगा आवाज से समझ में आ रहा होगा आपको, एक्स के पावर 5 प्लस 13 एक्स के पावर हो जाएगा 18, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्लियर हुआ, अब मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा अलग तरीके से करता हूं, ये देखिए हमने अब इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 2 हो गया, अब हमने 5 की जगह पर -5 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, बेस इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएंगे, तो -5 प्लस 13, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब -5 प्लस 13 तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 8 5 13, तो 13 माइनस में कि प्लस में, हमेशा माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन सिंबल बड़ा वाला का होता है, बड़ा क्या है 13, 13 का सिंबल क्या है प्लस, तो प्लस हो गया, एक्स के पावर 8,
फिर से एग्जाम्पल नंबर तीन इसी में, इसको हटा देता हमने प्लस कर दिया, पांच है प्लस में, अब तेरह कर दिया माइनस को, फिर से देखेंगे बेस बराबर है मल्टीप्लीकेशन में है तो फिर वही फंडे, मतलब बेस के पावर एड हो जाएंगे, तो यहां पर प्लस फाइव है तो प्लस फाइव लिख दिया, और एड होते हैं तो प्लस हमने लगा दिया, और किसको एड कर रहे हो आप, माइनस थर्टीन को, क्यों माइनस थर्टीन है ना, हमने प्लस किया है, लेकिन किसको, प्लस फाइव को और माइनस थर्टीन को हमने प्लस किया है, फिर से बोल रहा हूं प्लस फाइव और माइनस थर्टीन को हमने प्लस किया है, यहां दिख रहा है ठीक है आपको। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे हम, फाइव प्लस ब्रैकेट तोड़ना, सोल्व करने के लिए ब्रैकेट तो हटाना पड़ता है ना, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस, बाकी मतलब इसका ये भी याद कर लीजिए आप, वैसे आपको याद होगा माइनस माइनस प्लस 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 ठीक है। अब दो डिफरेंट अगर आ गए तो फिर माइनस होंगे, चाहे वो कुछ भी हो ठीक है, दो सिमिलर है मतलब प्लस प्लस तो प्लस होंगे, सॉरी माइनस माइनस तो प्लस होंगे, प्लस प्लस तो प्लस होंगे, अब दो डिफरेंट है तो माइनस होंगे, बिल्कुल इसको दिमाग में बिठा लीजिए, आपको पता होगा वैसे ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस और थर्टीन, अब बताइए एक्स के पावर फाइव माइनस थर्टीन, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, देखिए यहां पर मल्टीप्लीकेशन वाली बात नहीं है, समझिए बात को, यहां पर प्लस माइनस का कैलकुलेशन हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और तो हम तेरह में से पांच घटाए तो आठ, सिंबल किसका, अभी मैंने बताया कि जो बड़ा होता है उसका साइन होता है, तो साइन किसका आएगा, तेरह का, तेरह का साइन क्या है, माइनस। अब देखा आपने इस फॉर्मूले पे हमने तीन क्वेश्चन किए, तीन नहीं आप तीस कीजिए ठीक है, और जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए ना तो आप कोई बुक उठा करके, मतलब आप आर्यस अग्रवाल उठाइए, आई थिंक प्रॉब्लम बहुत सारे हैं उसमें, आप उठाइए उसके जितने हैं घातांक और करने के क्वेश्चन सब लगाइए ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला है ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इज इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन, क्लियर है, चलिए पूछे ठीक है। अब चलते हैं a के पावर n, और हमने कर दिया a के पावर n, देखिए हमने यहां डिवाइड लगा दिया, मतलब इसको आप लिखने का तरीका यह भी है a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n ठीक है। तो मतलब जब यहां भी देखिए बेस बराबर है, बेस बराबर, और बीच में मल्टीप्लाई की जगह पर क्या है, डिवाइड है, क्या है, डिवाइड है, तो सिंपली वहां पर ऐड होता था, यहां पर माइनस हो जाएंगे ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए के पावर एम माइनस एन, क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो एक जल्दी से एग्जांपल सेट कर लेते हैं, एक्स के पावर फाइव डिवाइडेड बाय एक्स के पावर टू, क्या होगा जी, एक्स के पावर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, तो पांच में से दो गया एक्स के पावर थ्री, क्लियर है, क्लियर है, नेक्स्ट पे चले, ओके पॉजिटिव ठीक है। चलिए अब हम करते हैं ए के, ए और बी के पावर एन है, इसका मतलब ये होता है कि ए के पावर, देखिए दोनों मल्टीप्लाई में ठीक, दोनों मल्टीप्लाई में, यहां प्लस होता तो उसका हम पॉलिनोमियल हम अलग पढ़ते हैं, अलजेब्रा में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे, तो इसका मतलब होता है कि ए के पावर भी एन और बी के पावर एन ठीक है। इक्वेशन नंबर तीन है, फॉर्मूला नंबर तीन यही बता रहा है, फॉर्मूला नंबर चार ये बोल रहा है कि ए के पावर एन के पावर एन हो तो क्या करेंगे हम, तो ए के पावर एम एन कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स के पावर फाइव के पावर फिफ्टीन, तो इसका मतलब होता है एक्स के पावर फाइव मल्टीप्लाई फिफ्टीन, मतलब एक्स के पावर सेवेंटी फाइव ठीक है। इसका मतलब होता है, मतलब आप चाहे जितना मल्टीप्लाई करते चले जाए वो मल्टीप्लाई 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 होते जाएंगे ठीक है। यहां पर एडिशन नहीं होती, मल्टीप्लाई देखिए ये पावर के पावर पावर है, तो यहां मल्टीप्लीकेशन होगी ठीक है। फॉर्मूला नंबर चार था, फॉर्मूला नंबर पांच और पांच और आठ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरा गौर से देखिएगा, एक फॉर्मूला और है शानदार, ठीक है। अब देखिए ये बोलता है जी, जैसे हमने अभी तक इक्वल टू जो बचपन में से हमें पढ़ाया गया है कि इक्वल टू इज नथिंग बट अ बेट मशीन, एक तराजू है ठीक है, तो हमने लिखा ए के पावर एम और इधर भी लिख दिया ए के पावर एन ठीक है। ये एक तराजू है और तराजू के तरफ दोनों तरफ बिठा दिए हैं, अब ये दोनों पलड़ा है जो बराबर है ठीक है, दोनों को दोनों बराबर है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब एक बात बताइए, जितना वजन मेरा है उतना ही वजन आपका है, तो इसका मतलब ये तो तय हो गया ना जी,
और एक चीज और बताते हैं, हमारा हमारा धड़ है जो आपके धड़ के बराबर है। ठीक है, मेरा वजन और आपका वजन बराबर है, मेरा धड़ आपके धड़ के बराबर है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा सर आपके सर बराबर होगी? बस वही बोल रहा है। देखिए, बेस यहां है जो पहली बात तो ये बोल रहा है कि ए के पावर एम है जो पूरा बराबर है ए के पावर एन के। क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि उनका बेस है जो बराबर है, आधार है जो बराबर है, ये आधार अपना मान लिए तो आधार बराबर है तो उनका सर भी बराबर होगा। वेरी सिंपल, मतलब अगर ऐसा है तो पावर भी बराबर होंगे। बस मेरा समझाने का मतलब ये था कि अगर बेस इक्वल है तो फिर पावर भी इक्वल होंगे, वाइस वर्सा। मतलब सीधा ऑपोजिट एक और बात करें कि ए के पावर एम बराबर बी के पावर एम। अब फिर से बोल रहा है कि हम दोनों का जो बॉडी वेट है जो बराबर है, अब मेरा सर आपके सर के बराबर है तो फिर मेरा धड़ आपके धड़ के बराबर होगा। बस वही बोल रहा है, अगर ए के पावर एम बराबर है बी के पावर एम का, लेकिन सर मतलब दोनों का पावर है जो इक्वल है और दोनों इक्वल भी है, दोनों इक्वल भी है और पावर इक्वल है तो इनका बेस भी इक्वल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज एक दो बार आप लिखिएगा जरूर, वैसे तो आपको याद हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कल जब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको फ्लैश होंगे ये फॉर्मूला, फ्लैश होंगे। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये फॉर्मूले नंबर एक दो था वैसे ही पांच और आठ है। चलिए छह और सात कुछ नहीं है, छह ये बोलता है कि ए के पावर माइनस वन, तो इसका मतलब हो रहा है माइनस का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, माइनस का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो हम लिखेंगे वन बाय ए। ठीक है, अब ये ए पॉसिबल। ठीक है, तो ए के पावर माइनस वन के मतलब होता है कि वन बाय ए, मतलब ए ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इसे भी हम आप इलेवन ट्वेल्थ में अगर पढ़े होंगे लॉगरिथम, अगर आपका मैथ्स रहा होगा इलेवन ट्वेल्थ में तो वहां पर आपको बहुत अच्छा लगा होगा जब आप लॉगरिथम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, एक फॉर्मूले और है कि जैसे हमने अभी बताया तो ए के पावर वन बाय एन, वन बाय एन के मतलब क्या हो रहा था याद होगा, अभी जस्ट मैंने क्लियर किया था कि ए के पावर वन बाय टू के मतलब हो रहा है कि रूट अंडर ए, बताया था ना मैंने कि रूट के मतलब वन बाय टू, तो यहां अगर वन बाय टू के जगह पर वन बाई एन है तो कोई मतलब नहीं, आप रूट लिख दीजिए ए और एन लिख दीजिए। ठीक है, देखिए एक्चुअली रूट ए का मतलब होता है, रूट ए जो होता है एक्चुअली रूट ऐसे लिखते हैं, रूट ए का सिंबॉलिक सही संकेत है ऐसा। ठीक है, मतलब रूट के पावर यहां पर लिखा जाता है टू। ठीक है, अगर कोई क्यूब रूट है तो हम यहां पर थ्री लिखते हैं। ठीक है, फोर्थ रूट है तो यहां पर हम फोर्थ लिखते हैं, इसलिए स्क्वायर रूट को ना हम, ये टू होता है जो हिडन होता है लेकिन इसका मतलब होता है कि टू वहां पर होता है। वही बता रहा हूं मैं कि वन बाई एन के मतलब होता है कि रूट बेस ऑफ एन पर हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस। अब थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं करनी पर। ठीक है, मतलब करनी मतलब रूट। ठीक है, अभी रूट के मतलब आपको पता है, एक बात बताइए ऑनेस्टली बताइए, अभी मैंने बताया था यहां पर रूट ए टू बेस एन के मतलब क्या हुआ, ए के पावर एन हुआ क्या, इसका क्या मतलब हो रहा है, क्या मतलब हो रहा है ए के पावर वन बाई एन। ठीक है, इसका क्या मतलब हो रहा है, बी के पावर वन बाई एन। ठीक है, समझिएगा, लेकिन हम इससे उसको लिंक करें कैसे, ए के पावर रूट है रूट एन ए है तो इसका मतलब ए के पावर वन बाई एन, इसका मतलब बी के पावर वन बाई एन, और दोनों जुड़ा हुआ किससे है, किससे जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है मल्टीप्लाई से, क्या है यहां मल्टीप्लाई है, तो देखिए यहां पर पावर है जो सेम है तो पावर सेम है तो बेस को हम लिख सकते हैं ए बी के पावर, एक ही शब्द लिख देते हैं हमने जी। देखिए आ जाइए यहां पर फॉर्मूला नंबर चार। ठीक है, दोनों बेस पर था, मल्टीप्लाई में था और पावर में एन था, तो हमने क्या किया था, दोनों को अलग अलग लिख दिया था। अब वाइस वर्सा आप इसको अगर ये लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं, तो ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन, देखिए बेस डिफरेंट लेकिन पावर सेम था और मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो ए और बी दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर चढ़ा दीजिए, तो हमने वही किया। ठीक है, तो ये और ये दोनों अलग नहीं है, सेम ही है। क्लियर है, चलिए अब यहां पर डिवाइड वाली फंडा आ गया मल्टीप्लाई। देखिए ये दोनों कहीं और से नहीं आया है, अपना जो यहां पर वन और टू था वही यहां पर हमने लिया है। अब बस ये है कि वहां स्क्वायर था, यहां पर रूट है। ठीक है, आप इसको भी तोड़ लीजिए, ए के पावर वन बाई एन डिवाइडेड बाई बी के पावर वन बाई एन। क्लियर है, अब ए और बी डिवाइड में है तो आप लिख लीजिए ए बाई बी, और पावर दोनों का सेम है तो हम एक ही पावर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, देखिए इसका क्या मतलब हो रहा है, ये रूट है
सॉरी यहां पर एन लिखना मैं भूल गया, तो आप एन लिखेंगे ठीक है, ए बाय बी और रूट एन के मतलब हो रहा है वन बाई एन, देखिए क्लियर है। चलिए फिर देखेंगे ये तो वही बात हो गई कि ए के पावर एन, देखिए ए के पावर एन के पावर एन मतलब ए के पावर एन स्क्वायर, मतलब ये मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, या फिर अगर एम होता है यहां पर तो हम लिखते एन एम। देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं परंतु बहुत ही मोटी बातें हैं, तो आप इसको दिमाग से बिल्कुल हटाइए मत, हमें आगे बहुत काम आने वाला है ये फॉर्मूले ठीक है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में ज्यादा कोई अंतर नहीं था जी, कहां गया ठीक है, चार नंबर फॉर्मूले तो, और ये लास्ट फॉर्मूला है वही बात हो गया। अगर हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा इसको, ये तीनों का लिखने का मतलब अलग अलग दिख रहा है लेकिन मतलब सॉरी सकल अलग अलग दिख रहा है लेकिन मतलब एक ही है। आप रूट अंडर एन एम रूट इज इक्वल टू दोनों को एक रूट के अंदर एन एम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा यहां पर, कहां यहां लिखा ये चीज को दिखाता है। या फिर अब मल्टीप्लाई ही तो करना है तो दो मल्टीप्लाई तीन करें या फिर तीन मल्टीप्लाई दो करें, रिजल्ट तो छह ही आना है ना। तो बस मैंने वही किया है कि रूट के आप चाहे तो एन को ऊपर लिखिए एम को नीचे, या फिर एम को ऊपर लिखिए एन को नीचे। तो घातांक और करनी का ये छोटा सा वीडियो जो था, छोटा सा टॉपिक था फॉर्मूले बेस्ड, इस पे 10-15-20 मिनट के एक छोटा सा वीडियो आएगा, उसमें देखिए हम फटाफट 10 क्वेश्चन करेंगे कंसेप्ट के साथ, और वो क्वेश्चन आए हुए हैं SSCGL में, रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग के कैलकुलेशन में, बैंकिंग के जो 5 नंबर का जो सिंप्लीफिकेशन होता है ना उसमें क्वेश्चन आते हैं। और बैंकिंग में आपको पता है कि थोड़ा समय बहुत ही कम होते हैं, तो आपको जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करने होते हैं, तो जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे ना बैंकिंग वालों को बहुत ही शानदार तरीके, वैसे वो ट्रिक जरूरी है, क्यों कई दफा हमें ट्रिक इसलिए जरूरी पड़ती है क्योंकि टाइम कम होते हैं तो हमें पूरा करना होता है। चलिए ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।